मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी यूज़ कर रहा हूँ कंटली एंड जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है एंड जिसका स्क्रीन है सारा कुछ दिखाऊंगा, क्या स्पीड है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब वाला भाई। एंड यहाँ पे जो आप पीसी देख रहे हो जो कि परचेज सेप्टेम्बर 2023 लिखा हुआ है, जी हाँ, ये वीडियो आप कंप्लीटली वॉच कर लेना, क्योंकि ये वीडियो अगर आप कंप्लीटली वॉच कर लेते हो तो मैं बताऊंगा मिनी पीसी क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मेरे पास बहुत सारा गेमिंग पीसी है, बड़ा बड़ा पीसी है जो कि मैं रिव्यू कर चुका अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। लेकिन फाइनली मैंने ये वाला जो पीसी है मैं आपको दिखाता हूं जो अभी यूज़ कर रहा हूं कंटली एंड जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है एंड जिसका स्क्रीन है सारा कुछ दिखाऊंगा, क्या स्पीड है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या परफॉर्मेंस इसमें मिलता है। एंड आप देख सकते हो इथरनेट कितना, मतलब पोर्ट्स भी एकदम जितना भी रिक्वायरमेंट पोर्ट्स होता है सारा कुछ है, फ्रंट में भी जितना भी रिक्वायरमेंट पोर्ट्स होता है वो सारा इसमें देखने को मिलता है। तो वीडियो कर लेना कंप्लीटली वॉच, अगर आप कंप्लीटली देखोगे तो मैं सारा डिटेल बताऊंगा क्यों ये पीसी आपको लेना चाहिए अदर ब्रांड्स के कंपेयर में। एंड चलिए तो पहले वीडियो को कंप्लीटली आप देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, इसको पहले यहाँ रख देता हूँ। एंड यही पीसी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, परचेज सेप्टेम्बर 2023। क्यों ये बेहतर है इसके लिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले इसका प्राइस अभी 19,900 मतलब 20,000 में मिल रहा है, लेकिन मैंने परचेज किया था इसका 17,000 में। एंड अब मैं बताता हूँ ये रिफर्निश्ड का क्या मतलब होता है। रिफर्निश्ड का मतलब होता है कोई पीसी है जो कि कोई बड़ी कंपनी में यूज़ हो रहा है एंड उसका 4 साल बाद वो कंपनी क्या करता है, उसको तो चाहिए नया प्रोडक्ट, तो वो क्या करता है कोई भी ऐसा ब्रांड जो कि उसको परचेज कर ले एंड रिन्यू करके उसको सारा उसके अंदर एकदम क्लीन करके, जैसा मुझे जब मिला था पूरा ये न्यू की तरह ही मिला था, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये यूज़ किया हुआ पीसी है। एंड बहुत सारा एक भी ऐसी दिक्कत नहीं हो रहा है, हेडफोन ले लीजिए, हेडफोन वाला भी रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा, मतलब सारा कुछ साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह एंड पोर्ट्स वगैरह बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। एंड आसूस का यहाँ पे ब्रांडिंग ऐसे ही सेम देखने को मिलता है इस पीसी में, यहाँ पे पावर बटन है। एंड मैं बात कर रहा था डिटेल्स बारे में क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर स्टूडेंट हो जैसे मैं स्टूडेंट था तो मैंने लिया था इसको घर पे, मैं वीडियो एडिटिंग भी कर रहा था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रीमियर प्रो, अभी जैसे फोटोशॉप खुला हुआ है प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट सारा कुछ इसमें रन कर जाता है। एंड मैं घर पे था तो मैं बड़ा वाला मॉनिटर यूज़ करता था, मैं यहाँ पे आया था एक मॉनिटर बस परचेज किया हूँ एंड ये पीसी लेके आया। तो आप इसको आसानी से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं लेके, ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। मैं घर जाता हूँ इसको आराम से लेके चला जाता हूँ, वहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात होता है कि मैं अगर कॉलेज में जाता हूँ तो भी मैं इसको लेके जा सकता हूँ, कॉलेज के मॉनिटर में लगाया डायरेक्ट यूज़ कर लिया, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लूँ, इंटेल की तरफ से आने वाला i7 का 8th जनरेशन का प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है, ये बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। i7 का 8th जनरेशन प्रोसेसर, साथ ही 16GB का रैम है एंड DDR4 रैम है वो भी, एंड 512GB का SSD है, विंडोज 11 के साथ आता है, वाईफाई फ्री देखने को मिलेगा, एमएस ऑफिस प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा, इंटेल HD ग्राफिक्स कार्ड है, USB टाइप सी भी एक इसमें है, HDMI 4K, जी बिल्कुल मैं बता रहा था HDMI 4K सपोर्ट है। 4K मॉनिटर अगर आप इसमें लगाते हो तो वो भी बिल्कुल सपोर्ट करेगा, कहीं से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली इसको परचेज करो। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो तो आप सर्च करना आसूस मिनी पीसी @YouTube वाला भाई, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लेना। अब मैं डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ। फ्रंट में यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑडियो इन का है, प्लस यहाँ पे दो है ये USB वाला, यहाँ पे SD कार्ड भी आप इंसर्ट कर सकते हो। मेरे पास जैसे 620GB का SSD कार्ड था, SD कार्ड था, तो मैं लगा के इसको छोड़ दिया था, तो बहुत अच्छा स्पीड देखने को मिलता है, प्लस आप फाइल ट्रांसफर वगैरह बहुत ही फास्ट कर सकते हो। पहले से इसमें 512GB का SSD है। एंड यहाँ से साइड से अगर मैं लुक की बात कर लूँ तो बहुत ही अमेजिंग लुक लगता है, एकदम प्रीमियम फील आपको देगा एंड कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पीछे की बात कर लूँ, यहाँ पे इथरनेट लगाने वाला है एंड एक USB 3.0 है, HDMI है, फिर यहाँ पे दो USB 2.0 एंड यहाँ पे इथरनेट वाला, फिर इथरनेट के अलावा एक क्या बोलते हैं टाइप सी वाला थंडरबोल्ट पोर्ट लगाने का ऑप्शन इसमें दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही अमेजिंग था। फ्रंट में यहाँ पे आसूस की ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड अब मैं आपको बता दूँ ये नया क्यों लगता है। सबसे पहले मैं बता दूँ, नया इसलिए लगता है इसके ऊपर में ना ऊपर से कुछ प्लास्टिक वगैरह लगा दिया गया जिसके कारण नया लगता है। अंदर में होगा, अंदर मतलब इसके अंदर जो पार्ट्स वगैरह वहाँ भी, मतलब मैं कह रहा हूँ स्क्रैच वगैरह क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक का एक मेटल चिपका दिया गया, प्लास्टिक का कुछ है ऐसा लगता है, लेकिन एकदम पूरा नया वाला ही फील देगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा। परफॉर्मेंस में तो पूरा नया वाला ही फील देगा, ये नहीं लग रहा है कि यूज्ड प्रोडक्ट है कुछ भी ऐसा वगैरह। एंड ये न्यू जैसा से सप्लाई किया गया है, newjaisa.com आपको पता ही होगा जो कि रिन्यूड प्रोडक्ट सेल करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो जहाँ पे बार कोड है यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पुराना वाला है, ठीक है, बस यहीं पे पता चलता है और कहीं नहीं पता चलेगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा पुराना लग रहा है, ठीक है। एंड सारा कुछ पोर्ट्स वगैरह भी आप देख लो वीडियो में, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर अगर आपका एक शॉप है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख लियो तो प्लीज़ यार वीडियो को कर देना लाइक, एंड चैनल पर नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब। अगर हाँ बिल्कुल, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए बड़ी बात नहीं होती, आप सब्सक्राइब कर ही सकते हो मुझे पता है। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस एंड चीयरफुल डे।